आते हैं भाई। और ये देखो ग्रैंड रोड भाई, स्टेशन का कुछ इस प्रकार से नजारा है। तो ये है गिरगांव चौपाटी वाला रास्ता, और यही है वो रास्ता भाई जिधर गलत काम होता है। काफी ज्यादा सुनसान से सड़क आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। जवाब नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं दिखाने वाला हूँ मुंबई ग्रैंड रोड की नाइट लाइफ। भाई मुंबई ग्रैंड रोड बहुत सारी चीज़ों के वजह से जाना जाता है, क्योंकि मुंबई ग्रैंड रोड में भाई आप सभी को पता होगा मुंबई का चोर बाजार मुंबई ग्रैंड रोड में ही स्थित है। आपको मुंबई ग्रैंड रोड आना पड़ेगा और यहाँ से टैक्सी लेकर के चोर बाजार जाना पड़ेगा। और बात करूँ बहुत बदनाम भी है भाई, बदनाम है लेकिन वो अपनी जगह पे है भाई। लेकिन आप इंटरनेट में सर्च करेंगे ना मुंबई ग्रैंड रोड, तो आपको बहुत ही ज़्यादा गंदा देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं इधर ही रहता हूँ, घूमते रहता हूँ, देखते रहता हूँ ये सारी चीज़ें। बहुत सारे लोग रात को आने से घबराते हैं भाई मुंबई ग्रैंड रोड, और मैं रात को ही एक्सप्लोर करने वाला हूँ मुंबई ग्रैंड रोड को। फिलहाल अभी इस ब्रिज पे हूँ, देख सकते हो भाई इस ब्रिज का माहौल, देख सकते हो रात का 11 बज रहा है और काफ़ी ज़्यादा खाली है भाई। और अभी मैं इधर से चलने वाला हूँ वेस्ट में। और आपको बता दूँ भाई बहुत सारी यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस भी है, जैसे कि नेशनल सिनेमा म्यूजियम, मुंबई में जो सबसे पहली मूवी बनी थी उसका जो सामान वगैरह है उस पर रखा गया है। और बाबुलनाथ मंदिर भी है भाई, जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, काफ़ी सारे लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। और वालकेश्वर टेम्पल भी है जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है भाई, आपको यहीं से बस वगैरह मिलेगा भाई। और फिलहाल अभी काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है और सोचे रात को ही एक्सप्लोर किया जाए। आप जो देखते हो इंटरनेट में वो रियल नहीं होता है, आप इंटरनेट में सर्च करके देखिएगा ग्रैंड रोड, बहुत सारी गंदी गंदी चीज़ें देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जब आप हकीकत में घूमने के लिए आएंगे ना, तो इतना माहौल शांत देखने के लिए मिलेगा, इतना सुंदर सुंदर बिल्डिंग देखने के लिए मिलेगा भाई। ये देखो कितनी सुंदर सुंदर बिल्डिंग वगैरह बनी हुई है, और भाई ऊँची ऊँची इमारत तो है ही, लेकिन आपको पुराना पुराना जो इमारत है वो भी देखने के लिए मिलेगा भाई। और वैसे भी भाई अभी मैं रात को घूम रहा हूँ, अभी इधर से चलेंगे गिरगांव चौपाटी भी चलेंगे, लेकिन मैं आपको दिखाने वाला हूँ ग्रैंड रोड का। ये देखो नीचे स्टेशन के नीचे का क्या माहौल है भाई। अभी देखेंगे तो सारा दुकान बंद हो चुका है, और ये पूरा रोड का नज़ारा है भाई। और इसी के सीधा अगर 10 मिनट चल करके जाओगे ना, तो आप पहुँच जाएंगे मुंबई का चोर बाज़ार। और भाई यदि मुंबई का चोर बाज़ार घूमना चाहते हो या एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो फ्राइडे को लगता है और सुबह 5 बजे भाई। तो चलो अभी घूमते हैं और दिखाते हैं आप सभी को। और यहाँ पे देखो भाई, दोस्तों फिलहाल अभी हम लोग इधर से वेस्ट में जा रहे हैं घूमने के लिए। और ग्रैंड रोड की एक खास बात बताऊं भाई, जैसे कि जो मुंबई में रहते हैं लोकल हैं, कोई विरार जाना चाहता है ना भाई, अगर वो आपको पता होगा दादर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है, तो वहाँ पे वो चढ़ नहीं पाते हैं, तो वो क्या करते हैं फास्ट पकड़ के आ जाते हैं मुंबई सेंट्रल। मुंबई सेंट्रल में तो बहुत सारे लोग उतरते हैं और वहाँ से फास्ट पकड़ के विरार जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ग्रैंड रोड भी आते हैं भाई। और ये देखो ग्रैंड रोड भाई, स्टेशन का कुछ इस प्रकार से नज़ारा है। और अभी फ़िलहाल स्टेशन के बाहर हम लोग घूम रहे हैं, और ये अपना प्रिंस भाई है। और यहाँ पे देखो भाई किस प्रकार से पोस्टर लगाए गए हैं, ये देखो सब मुंबई के फेमस जगह है। ये देखो ये सब तो पूरा पता है, ये देखो ये मुझे पता है, ये वालकेश्वर टेम्पल है, जो एकदम बनारस जैसी वाइब मिलेगा भाई यदि आप जाओगे तो। ये मरीन ड्राइव है, और सामने ये है महालक्ष्मी रेस कोर्स। भाई रेस कोर्स गए हो कभी? चलो आओ चलो घूम जाए भाई। मुंबई का सबसे बड़ा रेस कोर्स का मैं भी वीडियो नहीं बनाया, गया उधर ही तो है वर्ली के सामने। और भाई देखो कितना ज़बरदस्त नज़ारा है। और लोग कहते हैं ग्रैंड रोड बहुत बदनाम है। जी भाई बहुत ही ज़्यादा बदनाम है इंटरनेट में भाई, अब जब सामने से घूमोगे तो इतना कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये देखो अभी रात को घूम रहा हूँ, हलचल देखो भाई, एकदम शांत वाली वाइब है। और इधर बिल्डिंग वगैरह देख सकते हो कुछ इस प्रकार से, आपको बिल्डिंग देखने के लिए मिलेगा भाई। और काफ़ी ज़्यादा सुनसान है भाई, और इतना रात को मैं और प्रिंस भाई दोनों अकेले घूम रहे हैं। और अभी इधर से घूमते घूमते हम लोग चलेंगे गिरगांव चौपाटी। गिरगांव चौपाटी में 10 से 15 मिनट बैठेंगे भाई। आपको पता ही होगा मुंबई कर, जो मुंबई में रहते हैं, जो बड़े बड़े घर के भी रहते हैं ना, तो रात को दिन को तो भाई पूरा मुंबई एकदम शोर शराबा होती है, लेकिन जब भी लोगों को थोड़ा समय बिताना हो एकदम शांत माहौल में, तो गिरगांव चौपाटी जाते हैं अपने फैमिली के साथ और टाइम स्पेंड करते हैं।
चलेंगे भाई, और अगर चलेंगे तो आपको दिखाएंगे भी, और बाकी बिल्डिंग वगैरह देख सकते हो भाई, ये बड़ी बड़ी सोसाइटी है। दोस्तों फाइनली ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा घूमे और अभी फ़िलहाल वेस्ट में आ चुका हूँ भाई, और ख़ास इस ब्रिज को देखने के लिए आए थे। और ये ब्रिज रात को ही देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है भाई, क्योंकि लाइटिंग वगैरह जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त किया हुआ है। ये देखो भाई क्या ज़बरदस्त व्यू है, और आजू बाजू का माहौल देख सकते हो कुछ इस प्रकार से है भाई। और मैं आपको जूम करके दिखाऊं, और इधर देखो भाई कितना शानदार रोड बना हुआ है। और भाई यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे ना, मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ, एक दो चीज़ देख रहा हूँ, तो जो रोड है ना, रोड के बीच में जो पट्टी बना हुआ है उसके ऊपर भी काफ़ी सारे लोग सो जाते हैं भाई। दिखाऊँ आपको, ये देखो भाई ये जो बीच का पट्टी बना हुआ है ना, और यहाँ सामने देखो, जूम करके दिखाऊँ तो देखो भाई किस प्रकार से सो जाते हैं। और अभी इधर से आ रहे थे भाई, आगे भी इसी तरह का एक व्यक्ति को देखे हैं, तो कुछ कुछ होते हैं जो मस्त इसी तरह आराम से जहाँ पे वहाँ सो जाते हैं भाई। और थोड़ा सा अभी ब्रिज देखेंगे। और भाई मुंबई ग्रैंड रोड बदनाम तो है ही, लेकिन बदनाम के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि यहाँ से आप जा सकते हो मुकेश अंबानी जी का घर देखने के लिए। आप स्टेशन से जैसे ही बाहर निकलेंगे ना, 155 नंबर आपको बस मिल जाएगा भाई, डायरेक्ट मुकेश अंबानी जी के घर के सामने पेडल रोड बोलोगे तो उतारेगा। और ये जो रोड देख रहे हो ना, ये जाती है गिरगांव चौपाटी की ओर, अभी हम लोग उधर ही जा रहे हैं। बाकी ब्रिज का नज़ारा देखो भाई साहब, क्या ज़बरदस्त नज़ारा है। तो ये है गिरगांव चौपाटी वाला रास्ता, और यही है वो रास्ता भाई जिधर गलत काम होता है, लेकिन हम लोग उधर नहीं जाने वाले हैं और ना ही उधर घूमने वाले हैं भाई, क्योंकि उधर वीडियो वगैरह शूट करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और काफ़ी ज़्यादा सुनसान से सड़क आप सभी को देखने के लिए मिलेगा जब आप रात को एक्सप्लोर करेंगे, रात को घूमेंगे। और इसी रास्ते से अभी जाते जाते मुझे दिखेगा भाई मुंबई का बाबुलनाथ टेम्पल, वो भी दिखा दूंगा आप सभी को कि रात को कैसा दिखता है। और बाकी भाई इधर का बिल्डिंग वगैरह मैं दिखाऊँ आप सभी को, तो काफ़ी शानदार और पुरानी पुरानी बिल्डिंग वगैरह देखने के लिए मिलेगा, वो भी आगे। चलो चलते हैं 10 मिनट आगे, उसके बाद दिखाता हूँ। भाई साहब मुंबई की सड़कों का हलचल देखो, रात का 1 बजने वाला है भाई, और सब गिरगांव चौपाटी में मस्त घूम रहे हैं भाई, और हम लोग भी घूम ही रहे हैं। और काफ़ी देर तक उधर बैठे हैं, काफ़ी मज़ा आया। उधर पुलिस वाले ने बोला भाई अब बहुत बैठ लिए हो, जाओ इधर से, तो उधर से उठ करके आगे की ओर टहलने के लिए आ गए हैं। देखिए इधर भी काफ़ी सारे लोग चौपाटी से उठा दिया गया है भाई, तो अपने रोड के किनारे किनारे घूम रहे हैं। और इधर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा गाड़ी वगैरह चल रही है भाई, और फिलहाल अभी हम लोग आगे जाएंगे, और आगे से टैक्सी पकड़ के अभी इधर से निकलना है ओवरली। ये देख लो भाई साहब क्या ज़बरदस्त नज़ारा है। दोस्तों ग्रैंड रोड में घूम रहे थे, और भाई घूमते घूमते गिरगांव चौपाटी आ चुका हूँ, लेकिन भाई अभी जिस समय पे आया हूँ आपको बता दूँ, यदि आप मुंबई आते हैं, बहुत सारे लोग मेरे से पूछता भी है भाई, कमेंट करता है कि भाई मुंबई गिरगांव चौपाटी कितने बजे तक चालू रहता है। भाई 12-12:30 बजे तक चालू रहता है, उसके बाद बंद करवा दिया जाता है। सारे जितने फैमिली वाले अंदर बैठते हैं ना, उनको वो अपना बैठ करके अपना आनंद लेकर के चले जाते हैं, और अभी मैं उसी समय पर पहुंचा हूं भाई। काफ़ी ज़्यादा नसीब ख़राब है, लेकिन यहां पे तो बैठ ही सकता हूं भाई, सामने देखो पूरा गिरगांव चौपाटी है, और यहां पे भी काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं आती है भाई, और सामने का नज़ारा देखो कितनी सुंदर सुंदर गाड़ी वगैरह पार होगा, जगमगाती हुई मुंबई की, जगमगाती हुई रात, कितना सुंदर है ना, मज़ा आ रहा है। हवा तो नहीं आ रहा है, लेकिन क्या ही किया जाए, अभी समय भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। और दोस्तों आप सभी को दिखा दिए मुंबई का गिरगांव चौपाटी कितना शानदार दिखता है भाई, उस जगह पे नहीं ले जा करके दिखा पाएँ जहाँ पे मतलब खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं। और आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा भाई, और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।